हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीआर स्टडी। बच्चों कैसे हैं आप सभी? आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और आपका एक्सरसाइज चल रहा है इस समय 5.2। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी प्रश्नावली 5.2 आज खत्म हो जा रही। 20 क्वेश्चन था, मैंने सब करवा दिए हैं। बीच में 4-5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया, उसे आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया, साइड में आप देखिए आते हैं। कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की थी और फिर अपनी बचत को वो 1.75 रुपये बढ़ाती गई। कह रहा कि यदि 90वें सप्ताह में, मतलब पहले सप्ताह में 5 रुपये बचाया, दूसरे सप्ताह में 1.75 रुपये और बढ़ा दिया, तीसरे सप्ताह में फिर और बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे बढ़ाती गई, 90वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो 20.75 रुपये हो जाती है, तो ये उनका मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, सिंपल सा है। इधर साइड में आ जाओ, देखो यहाँ से कैसे समझने की कोशिश करो। हाल यहाँ लिखिए, प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम सप्ताह की बचत, ठीक है, या फिर ऐसे प्रथम सप्ताह में बचत बराबर 5 रुपया, है ना। तो भैया दूसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, दूसरे सप्ताह में बचत कितना हो जाएगा, 5 रुपया में जरा 175 बढ़ाती गई, तो यानी ये हो जाएगा 6.75 रुपये। बोलो हो जाएगा कि नहीं, कैसे? ऐसे हो जाएगा, 5 रुपया में हमें क्या करना है, 1.75 रुपये जोड़ना है। जोड़ना तुम सभी जानते हो, दशमलव वाला जोड़ ऐसे होता है, ये 6.75 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चा तीसरे सप्ताह में, ध्यान दो, तीसरे सप्ताह में बचत कितना हो जाएगी, अब जितना हुआ है ना इसमें 1.75 रुपये और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हर महीना क्या कर रही, पहले सप्ताह में 5 रुपये बचा ली, फिर अगले महीने में 1.75 रुपये बचा रही, उसके अगले महीने में भी 1.75 रुपये बचा रही है, तो ऐसे ऐसे वो बढ़ाते जा रही है, तो इसमें 1.75 रुपये और जुड़ जाएगा। ये जोड़ लो, 5, 5, 10, 7, 8, 1, 7 क्यों एक हुआ है ना, 5, 5, 10, 7, 7, 14 और 1, 15, 5, 8, 1 और 6, 7, 1, 8 8.50 रुपये। ये तीसरे सप्ताह की बचत हुई। यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, जो मिल रहा है वो आपको दिख भी रहा है लेकिन आप समझ नहीं रहे हो खैर ना। बच्चा देखो इसमें वो मिल रहा है क्या, एक सारणी बन गई, एक सीरीज बन गई, तो ठीक है, बस हमें यही चाहिए था। आप लिखो, अतः श्रेणी बराबर, श्रेणी क्या बन रही है, पहला 5, फिर 6.75, 8.50 बन रही है ना, बन रही ना। अब हमारे में जगह नहीं है, लेकिन मैं इसको नीचे लिख देता हूँ आपको, जिससे ज़्यादा बेहतर समझ जाए। हाँ देखो समझो, नहीं तो मैं नीचे भी कर सकता था वहीं से, लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। तो बच्चा देखो यहाँ पे समझो, श्रेणी क्या बन रही, पहला पद 5, दूसरा 6.75, तीसरा 8.50, चौथा इसी में 1.75 जोड़ोगे और आगे आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते हुए 9वें सप्ताह में कि जो अर्निंग है बच्चा वो हो जा रही बाबू कितना, 20.75 रुपये। बोलो हो जाती है ना, दिया है ना किताब में। हमें क्या करना है, यन का मान निकालना है, बहुत सिंपल सा है। हमें क्या क्या दिया है, सब कुछ मिल गया, लिखिए अब क्या करेंगे। देखो दिया है, या फिर दिया है वैसे ऊपर ही लिखना था, दिया लिख लो, ठीक है यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दिया है, पहला पद दिया है ए बराबर 5 रुपया, डी बराबर 1.75 रुपये दिया है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है इतना, और इसमें बच्चा ए एन बराबर भी दिया है 20.75 रुपये। कह रहा है ना कि मतलब अंतिम पद दिया है, लास्ट वन, ए एन का मान निकालना है, ओनली एन का मान निकालना, बहुत आसान है, सिंपल सा है। देखो बच्चा ये सूत्र लगा दो बाबू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का मान दिया है 20.75 रुपये, ए का मान 5 रुपया, एन का मान नहीं पता है, डी का मान 1.75 रुपये। उधर साइड में कट रहा है, मैं दिखा दूंगा अभी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है, जहाँ जा रहा साइड में मैं दिखा दूंगा अभी। अब आपको पूरा दिख रहा है, अभी मैं आपको एक नज़र में दिखा दूंगा पूरा एक बार में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमें क्या करना बच्चा, एन का मान निकाल लेना बाबू, तो एक लाइन अभी यहाँ और भी हल कर सकते हो आप, तो ये 20.75
माइनस का 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। नीचे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, चलो ऊपर हल कर लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है, ये लो, हाँ इतना बड़ा मैंने दिखा दिया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब इसमें से 5 घटाओगे तो भैया ये 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 और 75, हाँ बराबर कितना होगा। आप जरा ध्यान दीजिए, ये इधर आएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, 1.75 ऐसे हो जाएगा, एन माइनस 1। आप देख रहे हैं दोनों में बराबर बराबर अंक पर, दो दो अंक पर दशमलव है, दशमलव हम हटा सकते हैं क्योंकि दोनों में बराबर बराबर अंक पर ही दशमलव। ये कटेगा तो 9 आएगा, आप भाग दे के देख लो, 9 बराबर एन माइनस 1, एन बराबर 10 आएगा, इतना तो जानते हो, कक्षा 10 में पहुंचे हो ना, यानी वो एन का मान क्या है 10 है। आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं आपको पूरा सोल्यूशन एक नज़र में दिखा देता हूँ, जो थोड़ा थोड़ा इधर उधर का दिख रहा था, कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे, तो वो पूरा एक नज़र में देख लो, हाँ चलो पूरा हल एक नज़र में देख लो आप लोग, जो इधर उधर जा रहा है वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आ जाए, ठीक है, हो गया ना पूरा एक नज़र में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हल हो गया। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और सोल्यूशन आपका किया जाएगा, ठीक है। तो मैं सामने हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चा इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। कैसे कैसे मैंने हल किया आपने सब देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हाँ आप PBR स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरा मैथ देख सकते हैं 10th का, ठीक है। बाकी हम लाइव क्लास शुरू करने जा रहे हैं, आप कमेंट करके बताना कितना बजे चलाया जाए, अच्छा 10 का मैथ बताना, ठीक है, अभी दोपहर 2 बजे से चल रहा है।